चैनल ग्लैमर ब्यूटी, आई एम शिखा। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राइडल आई मेकअप लुक। आप चाहें तो इसको किसी भी वेडिंग सीजन में, वेडिंग पार्टी में आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो कैसे मैंने ये आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो आज जो मैं आई शेडो पैलेट इस आई लुक के लिए यूज़ करने वाली हूँ, रिवर्सल का ब्यूटी ग्लच का है। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई शेडो पैलेट है। तो मैं इस आई शेडो पैलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस आई शेडो पैलेट में से मैं ये मेहरून रेडिश कलर का शेड ले रही हूँ और इसको मैं अपनी आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। सो आई एम टेकिंग प्रो आर्ट का स्मॉल फ्लफी ब्रश, और ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, ट्रस्ट मी। अगर आपको ये ब्रश लेना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट करिए और वहां से आप परचेस कर लीजिए। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे शुगर का कंसीलर लिया है। मेरे पास ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था तो मैंने सोचा आज मैं इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा है कंसीलर, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इससे क्या है, मैं अपनी क्रीज लाइन जो है ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जो मैं नेक्स्ट शेड लगाऊँ अच्छे से इंटेंसीफाई हो, अच्छे से पॉपअप हो जाए। तो या राइट, जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ आप भी वैसे ट्राई करिए, या फिर आप किसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से लगा सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ब्रश से लगाना है या आपको एप्लीकेटर से लगाना है, आप जिससे चाहें उससे लगा सकते हैं। सो हाफ कट क्रीज मैं यहाँ पे ड्रॉ किया है, अच्छे से मैंने इसको पूरा ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी आई शेडो पैलेट में से ये थोड़ा ग्लिटरी कह सकते हैं गोल्ड में जो है शेड लिया है, और उसको मैं जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, कट क्रीज लगाई है, वहीं पर ही मैं इसको अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हैन एंड फैंग का ग्लिटर आई शेडो लिया है और इसको मैं इसी के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक लगेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके लिए इजी रहेगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई टफ नहीं है, आप एक बार ट्राई करिए एंड यू लव इट गाइस, एटलीस्ट ट्राई वंस। नेक्स्ट मैंने यहाँ से इसी आई शेडो पैलेट में से ये ब्लैक शेड लिया है और मैं अपनी आई के आउटर वी को इससे शेड को फिल करूँगी, मतलब ब्लेंड करूँगी, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे ब्लैक शेड को डिपॉजिट करूँगी एंड देन इनर साइड की तरफ उसको ब्लेंड करते हुए लेके आऊँगी। तो इससे मुझे एक स्मोकी लुक मिलेगा जो बहुत ही सुंदर लगेगा। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबलिन न्यूयॉर्क का जेल आईलाइनर लिया है और उसी के साथ ये मुझे ब्रश मिला था तो मैं उसी से अपनी आईलाइनर लगा रही हूँ। और ये स्मज नहीं होता है, फैलता नहीं है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मैंने अगेन जो फर्स्ट शेड लिया था उसी को मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्मच कर रही हूँ ताकि जो मेरा वाटर लाइन है वो बहुत ही प्यारा सा लगे, थोड़ा सा कलर इंटेंसिफाई हो जाएगा तो वो बोल्ड आई लगेंगी, सुंदर लगेगा। तो अगेन मैंने मेबलिन का जेल आइलाइनर लिया है और उसी से मैंने अपनी वाटर लाइन को फिल किया है जैसा कि मुझे इस आई लुक में चाहिए था, मैंने वैसे ही अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसको स्मच कर रही हूँ ताकि मेरा ब्लैक शेड भी उसमें आ जाए और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने उसी आई शेडो पैलेट में से गोल्डन शेड से अपना इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन्स को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ ये 60 मिनी लैशेस लगा ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का ये कर्ल मस्कारा लिया है एंड देन मैं उससे अपनी लोअर लैशेज एंड अपर लैशेज को अच्छे से कर्ल कर रही हूँ जो कि बहुत सुंदर लगती हैं, ऑब्वियसली बात है। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये उभर के आती हैं।
सो या हियर इज़ माई फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको मेरा आई लुक प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।